वतन वतन मेरे आबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई नेमत रोशन, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज वीडियो का टाइटल है कि हम 14 अगस्त के लिए नेम आर्ट्स वाला स्टेटस कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, चलो बिना वेस्ट टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो न्यू अपलोड के लिए सब्सक्राइब करें, लेट्स गो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे पिक्सआर्ट ऑन करना है। पिक्सआर्ट इजीली आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी बाद प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक तस्वीर को सेलेक्ट करना है, ये वाला तस्वीर पाकिस्तान स्टेटस वाला। तो इसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट पर क्लिक करोगी तो अपना नेम ABC वर्ल्ड टाइप करना है या किसी दोस्त का नेम टाइप करना है तो वही टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नेम टाइप कर लेता हूँ, सनम। मैंने सनम टाइप कर ली। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट करना है, यहाँ से अच्छी तरह एडजस्ट करना है। इसके बाद कलर चेंज करना है तो यहाँ कलर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्ट्रोक किनारों का कलर यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटी थोड़ा नॉर्मल कर ले ताकि जेन्युइन लगे। इसके बाद शेडो दिया हुआ है तो शेडो भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर हो गया, यहाँ पर कैपेसिटी भी हाई लो कर सकते हैं और इसका यहाँ से पोजिशन भी ऊपर नीचे की तरह कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटी को ज़्यादा करें या नॉर्मल करें, जहाँ पे अच्छे लगे तो छोड़ दे। इसके बाद ब्लर है, ब्लर अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करें, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करें। इसके बाद अगर फॉन्ट्स चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ फॉन्ट्स आ जाएगा और जो भी पसंद है वही सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माय फॉन्ट्स है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी गूगल से अपने लिए स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, ये हो गई इसी तरह। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये तस्वीर अपनी गैलरी पर सेव करना है, इसी तरह सेव करना है, डन। ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल में टिकटॉक को ओपन करना है। तो ये हो गए टिकटॉक और ये देखिए। इसके बाद आपने क्या करना है, टिकटॉक यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टेम्पल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डबल एक्सप्लोजर को तलाश करना है। यहाँ पे दो डबल एक्सप्लोजर है, गलती नहीं करना है, एक ही को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जाना है डबल एक्सप्लोजर के ऊपर और यहाँ पर डबल एक्सप्लोजर को सेलेक्ट करना है, डबल एक्सप्लोजर। एक ये है डबल एक्सप्लोजर लेकिन ये वाला नहीं है, दूसरा है डबल एक्सप्लोजर। कहा गई डबल एक्सप्लोजर, तो ये हो गई ये वाला डबल एक्सप्लोजर, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपने दो ही तस्वीर सेलेक्ट करना है, एक ब्लैक और ये अभी जो सेव किया हुआ है वही तस्वीर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपका तस्वीर इसी तरह सेव हो जाएगा। इसके ऊपर ख़ुद ब खुद एक ऑडियो लग जाएगा लेकिन इसको रिमूव करना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंडिपेंडेंस डे वाला ऐड करना है। तो यह ऐड साउंड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करना है इंडिपेंडेंस साउंड। इंडिपेंडेंस डे म्यूजिक इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ आ जाएगा और जो भी आपको पसंद है वही के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक करें तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के ऊपर ये साउंड ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अच्छी तरह हैशटैग लगा देना है, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त और मुख्तलिफ पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके बाद आपने क्या करना है,
पोस्ट के ऊपर क्लिक करके पोस्ट कर देना है। तो ये थी शॉर्ट वीडियो नेम आर्ट स्टेटस के बारे में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को भी लाइक करें। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।